सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लर्क से ऑफिसर का। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा जो कि कवर करेगा पेपर वन पेपर टू का सिलेबस को। सर्कुलर से सारी वीडियोज हो जाएंगी, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, 63 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल बात है, ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी विच फॉर्मुलेट्स रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस। फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करने वाली सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है? ए ऑप्शन ए फी डी आई, बी ऑप्शन आर बी आई, सी ऑप्शन है फेमा, डी ऑप्शन है फिमडई। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ए फी डी ए आई। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सचेंज अर्नड डेट कैन बी डिपॉजिटेड इन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। कितना ज़्यादा पैसा आप एक्सचेंज अर्न जो किया गया उसको जमा कर सकते हैं एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट में? ए ऑप्शन 25% ऑफ डबल ई, बी ऑप्शन 100% ऑफ डबल ई, सी ऑप्शन है 75% ऑफ डबल ई, डी ऑप्शन है 50% ऑफ डबल ई। सही ऑप्शन क्या होगा वो बताइए आप। तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अकाउंट है जिसको डबल ई एफ सी बोलते हैं, जो भी आप एक्सचेंज अर्न करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप कितना जमा कर सकते हैं? पूरा जमा कर सकते हैं 100%, यानी 100% पैसा इसमें जमा हो सकता है, 100% ऑफ एक्सचेंज अर्न जो भी किया आपने, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, टू ओपन आर एफ सी अकाउंट द स्टे अब्रॉड ऑफ रिटर्निंग इंडियन शुड बी। अगर आप ओपन करना चाहते हैं आर एफ सी अकाउंट, विदेश में आपको रह रहे हैं, तो यहाँ जो भी भारतीय लौट के आ रहे हैं विदेश से उसको कितने साल भारत में रहना होगा? ए ऑप्शन मिनिमम 3 ईयर्स, बी ऑप्शन मिनिमम 1 ईयर, सी ऑप्शन मिनिमम 2 ईयर, डी ऑप्शन नो सच क्राइटेरिया। सी ऑप्शन में कम से कम 1 साल रहना होगा ओपन करना आर एफ सी अकाउंट, तो भारत में आपको 1 साल रहते हुए होना होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट विल बी अलाउड इन एनआरओ अकाउंट। किस प्रकार का डेबिट अलाउ किया गया है एनआरओ अकाउंट में? ए ऑप्शन है ऑल लोकल पेमेंट्स इंक्लूडिंग डेबिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सारे लोकल पेमेंट्स जहाँ डेबिट आप कर रहे हैं, पैसा काट रहे हैं इन्वेस्टमेंट भारत में करने के लिए, बी ऑप्शन है रेमिटेंसेज एब्रॉड ऑफ करंट इनकम लाइक रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड। आप रेमिटेंस कर रहे हैं विदेश में जहाँ करंट इनकम हो, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया। सी ऑप्शन हो जाएगा सेल ऑफ रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर। यानी जो रेमिटेंस आप कर रहे हैं सेल प्रोसीड्स का, जो भी बेच रहे हैं आप उसका जो रेमिटेंस कर रहे हैं सेल प्रोसीड्स का, $1 million तक कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सारी बातें सही है। अब आप ये बताइए इसमें से कौन सी बात सही है ना? वो पूछ रहा है क्या क्या डेबिट अलाउ किया गया एनआरओ अकाउंट में। ए ऑप्शन से बोल रहा है सारा लोकल पेमेंट आप कर सकते हैं, इसमें डेबिट भी इंक्लूड कर लिया गया जब भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सही है। बी ऑप्शन बोलता है रेमिटेंस अगर विदेश में करना है तो करंट इनकम हो गया, जैसे रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट, ये सारे आप कर सकते हैं विदेश में। अगर पैसा भेजना है तो आप भेज सकते हैं रेंट का इनकम, इंटरेस्ट का इनकम, डिविडेंड का इनकम। फिर होता है सी ऑप्शन है आप रेमिटेंस करना चाहते हैं, आप पैसा विदेश भेजना चाहते हैं, जो भी आपने बेचा है प्रोसीड्स एसेट्स को, जो भी बेच के पैसा मिला आपको, $1 million पर फाइनेंशियल भेज सकते हैं, सही है। डी ऑप्शन जाएगा सारी बातें सही हैं, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। कौन चेयरमैन होंगे स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के? ये ऑप्शन द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो होगा मिनिस्टर इंचार्ज होंगे कंज्यूमर अफेयर्स के सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो होंगे, बी ऑप्शन है द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन स्टेट गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के स्टेट गवर्नमेंट में, सी ऑप्शन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, डी ऑप्शन गवर्नर ऑफ आर स्टेट, स्टेट के गवर्नर। देखिए जब बात कर रहे हैं चेयरमैन का स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, तो बेसिकली मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं कंज्यूमर अफेयर्स के स्टेट गवर्नमेंट के, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आइए, सेंट्रल काउंसिल सेल कन्वीन एटलीस्ट डैश मीटिंग इन एवरी ईयर। सेंट्रल काउंसिल जो होगा कम से कम कितना मीटिंग उसको करना होगा हर एक साल? ए ऑप्शन वन, बी ऑप्शन टू, सी ऑप्शन थ्री, देयर इज नो सच कंडीशन। ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है भाई, कम से कम आपको एक मीटिंग तो करना पड़ेगा, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेवन में आइए, गोईपुरिया कमेटी वाज सेटअप फॉर। गोईपुरिया कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई गई है? ए ऑप्शन है लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर, बी ऑप्शन है डिजिटल बैंकिंग, सी ऑप्शन है कस्टमर सर्विस, डी ऑप्शन है प्राइवेट सेक्टर एडवांसेस। देखिए गोईपुरिया कमेटी बनाया गया था कस्टमर सर्विस को लेकर, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर एट में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन ऑफ
वेरियस कंज्यूमर कोड्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बोलता है कौन सी बात सही है फाइनेंशियल जुरिसडिक्शन के संदर्भ में जो बहुत सारे कोर्ट्स के लिए किया गया है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू ₹1 करोड़, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू ₹1 करोड़। बी ऑप्शन है स्टेट कमीशन अबव ₹1 करोड़ एंड अप टू ₹10 करोड़। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका नेशनल कमीशन अबव ₹10 करोड़। डी ऑप्शन ऑल दबाव, सारी बातें सही हैं। इसमें से कौन सी बात सही है आपसे वो पूछा जा रहा है। जो ए ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट कमीशन का बताया जा रहा है अप टू ₹1 करोड़, ये सही है। बी ऑप्शन बताया जा रहा है स्टेट कमीशन ₹1 करोड़ ज़्यादा और अप टू ₹10 करोड़ तक का काम कर सकता है, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन नेशनल कमीशन अबव ₹10 करोड़, ये भी सही है। डी ऑप्शन ऑल द अबव, सारी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, अपील अगेंस्ट द स्टेट कमीशन कैन बी डन इन -डेज। अपील अगर करना स्टेट कमीशन अगेंस्ट में तो कितने दिन में करना होगा। ए ऑप्शन है 45 डेज, बी ऑप्शन 90 डेज, सी ऑप्शन 60 डेज, डी ऑप्शन 30 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा 30 दिन में करना होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, मिनिमम पनिशमेंट ऑफ फाइन रुपीज एंड और इम्प्रिजनमेंट अप टू -डैश फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर पास बाय एनी कंज्यूमर कमीशन इज, बोलते कम से कम कितना सजा हो सकता है पैसे में और कितना साल की जेल हो सकती, साल नहीं कितने महीने की जेल हो सकती है अगर नॉन कंप्लायंस होता है जो भी ऑर्डर पास किया गया है कोई भी कंज्यूमर कमीशन के द्वारा। ए ऑप्शन ₹10,000 एंड 3 मंथ्स, बी ऑप्शन ₹25,000 1 मंथ, सी ऑप्शन ₹10,000 1 मंथ, डी ऑप्शन ₹25,000 3 मंथ। जो मिनिमम पनिशमेंट है आपको ₹25,000 का लग सकता है और 1 महीने की जेल भी हो सकती है, बी ऑप्शन। यह हमारे पास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा पेपर वन पेपर टू का सिलेबस, सारे सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन सेट डिस्कशन के वीडियोज हो जाएगा, 3 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया ₹2,000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, ₹3,000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 7827546946, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.bankpromotionmedici.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, थैंक यू।